खबर पलामू जिले से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का पंचायत स्तरीय समिति विस्तार दो अलग अलग प्रखंडों का किया गया। चैनपुर प्रखंड के पंचायत करसो में रामप्रसाद सिंह खरवार की अध्यक्षता में की गई। जिला उप संयोजक प्रताप तिरकिन महासभा के उद्देश्यों को बड़े ही विस्तार पूर्वक लोगों के बीच रखा और कहा कि जल जंगल जमीन हम आदिवासियों का अधिकार है, इसे अगर बचाना है तो सभी आदिवासी समाज को अलग अलग जाति में न बंटकर एक मंच पर एक साथ सिर्फ और सिर्फ आदिवासी होकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। सर्व समिति के कई सदस्य पंचायत समिति विस्तार करते हुए अध्यक्ष राजू सिंह खरवार, सचिव प्रभु सिंह खरवार एवं कोषाध्यक्ष शिवलाल सिंह खरवार को बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन चैनपुर प्रखंड सचिव दिनेश कुमार सिंह चेरो ने किया, तो वहीं दूसरे ओर पाकी प्रखंड के आशाहरा पंचायत का समिति विस्तार किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्षता राम अवतार उड़ाव एवं संचालन रविंद्र सिंह चेरो ने किया। बैठक को संबोधित अध्यक्ष राम अवतार उड़ाव, सचिव रविंद्र सिंह चेरो, उप कोषाध्यक्ष रंजन सिंह चेरो आदि ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के उद्देश्यों से लोगों को अवगत कराया। सौर समिति से प्रहलाद सिंह चेरो को अध्यक्ष, सूर्यदेव सिंह चेरो को सचिव, अखिलेश सिंह चेरो को कोषाध्यक्ष, जिरमनिया देवी को उपाध्यक्ष, तो उप सचिव ब्रिज बिहारी सिंह चेरो को तथा उप कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह चेरो को बनाया गया। बताते चले कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा द्वारा आयोजित दो दिवसीय बैठक में केंद्रीय समिति के लिए गए निर्णय अनुसार आगामी 14 एवं 15 अप्रैल को पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर स्थित शिवाजी मैदान में 2 दिनों का आदिवासी महासम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। इस महासम्मेलन में पलामू प्रमंडल से 25,000 आदिवासियों का आगमन होना सुनिश्चित है। इसी महासम्मेलन की तैयारी को लेकर पलामू प्रमंडल के प्रत्येक जिले में प्रखंड पंचायत एवं ग्राम स्तर की कमेटी के गठन तीव्र गति से किया जा रहा है। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की ये रिपोर्ट। बहुत जोरदार राज्य अलग करने का विकल्प उन्होंने लिया और आज भी लोग झारखंड राज्य को लड़कर अलग किया, लेकिन उसका जो मूल रूप जो अधिकार होना चाहिए था आदिवासियों, वो आदिवासियों को आज वंचित रहने का बस कारण एक ही है कि हम सभी जो है अलग अलग पड़े हुए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसा कि तिरकी साहब बोले कि 4 वर्गों में बांट दिया गया है,